प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा, क्या 28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है? बच्चे की उम्र 28 साल हो जाने के बाद क्या उसकी शादी नॉन मंगलिक के साथ की जा सकती है? इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि बच्चे की उम्र 28 साल क्रॉस कर चुकी है तो अब मंगल दोष नहीं लगेगा, अब इसकी शादी नॉन मंगलिक के साथ भी हम कर सकते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसी के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें मंगल को समझना होगा कि मंगल है क्या। मंगल हमारे शरीर में पराक्रम है, ऊर्जा है, साहस है, हिम्मत है, और हमारे शरीर में जो खून है वो सब मंगल है। अब जिस बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल बलशाली कंडीशन में बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप ये समझिए कि उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पराक्रम, हिम्मत और साहस मिलेगा। लेकिन वैवाहिक दृष्टिकोण से ऐसी कुंडलियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब मंगल के प्रभाव से होता क्या है, बच्चा बहुत जल्दी निर्णय लेता है, उसके अंदर एक उतावलापन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का लेवल अधिक होता है, तो इस वजह से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेना। अब वैवाहिक जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो धैर्य की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन मंगलिक बच्चों में वो सहन शक्ति बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। लेकिन 28 साल तक वो सहन शक्ति बच्चों में आना शुरू हो जाती है, उनके अंदर धैर्य भी आना शुरू हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति भी अधिक हो जाती है। मान लीजिए एक बच्चा 25 साल का है, 22 साल का है, उसकी शादी कर दी जाए नॉन मंगलिक लड़की के साथ, या कोई लड़की है 25-26 साल की, उसकी शादी नॉन मंगलिक लड़के के साथ कर दी जाए तो होगा क्या? उसके अंदर धैर्य की कमी रहेगी, पराक्रम उसके अंदर ज़्यादा रहेगा, जल्दबाजी में वो निर्णय लेगा। पति और पत्नी में देखिए, कोई भी ऐसी पति पत्नी नहीं होती जिसके अंदर मतभेद नहीं होता है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है। अब यदि मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से कर दी जाए तो ऐसे में उनका छोटा सा झगड़ा भी बहुत बड़ा बन जाता है, घर की चार दीवारी से बाहर बात चली जाती है और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, तलाक भी हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं होती। लेकिन 28 साल तक बच्चों में सहन शक्ति, धैर्य, वो चीज़ें आ जाती हैं। आप खुद अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हो, एक बच्चा 20 साल का है और एक बच्चा 30 साल का है, तो समझने की शक्ति किस में अधिक है आप खुद इसको महसूस कर सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि 28 साल के बाद मंगल दोष का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये 100% सच्चाई नहीं है। मंगल दोष का विचार तो चाहे 40 साल भी क्यों ना हो जाए तब भी करना चाहिए, क्योंकि यदि मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक के साथ कर दी जाए तो ऐसे में पति और पत्नी में जो मतभेद होते हैं वो अधिक होते हैं। यदि 28 साल के बाद ये शादी होती है तो फिर तलाक होने की संभावना कम हो जाती है, अलग होने की संभावना अलग हो जाती है, झगड़े तो तब भी होंगे लेकिन शादी नहीं टूटेगी। और लेकिन 28 साल से पहले ही यदि मंगलिक की नॉन मंगलिक के साथ शादी कर दी जाए तो फिर शादी टूटने का जो खतरा है, जो भय है, वो अधिक रहता है। इसलिए कहा जाता है कि 28 साल यदि बच्चों की हो जाए तो फिर उसमें यदि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो फिर मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक के साथ भी एक पूजा करने के बाद की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है 28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त होने की सच्चाई। यदि आप मेरा मत मानो तो मैं तो यही कहूँगा कि मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ और नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक के साथ ही यदि हो तो ये उचित है, बिल्कुल सही है। यदि कोई ऑप्शन नहीं है और बच्चों की उम्र 28 साल क्रॉस कर चुकी है तो फिर आप सोच सकते हो, कर सकते हो शादी, मतभेद जरूर रहेंगे लेकिन तलाक होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको बात बताई है आपको समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि 28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त क्यों हो जाता है और कितनी इसमें सच्चाई है।
यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड इसी प्रकार की शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बिल्कुल गहनता से, सटीकता से, एक एक चीज बारीकी से मुझसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।